हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है बैंकिंग। उसका पहला पार्ट मैं करवा चुकी हूं जो कि था सेंट्रल बैंक या फिर रिजर्व बैंक क्या होता है और उसके फंक्शंस, जो कि मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पहले आप वो देखे जाकर देन इस वीडियो पर आए। आज हम करेंगे मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कौन कौन से टूल्स लगाता है। उन टूल्स में से जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है वो इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। आज हम करेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो कि होने वाले हैं आपके 5, जिसमें 2 आपकी रेट होंगी, 2 आपकी रेशियो होंगी और 1 आपका इसके अंदर आएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले आ जाता है हमारा बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? तो आरबीआई क्या करता है बेटा, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, जब इकोनॉमी में महंगाई और मंदी का दौर आता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाता है। फॉर एन एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे कि अगर आप बीमार होते हो तो आप क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको कुछ प्रिकॉशंस देता है, कुछ दवाइयां लिख कर देता है जिसको आप लेकर आप ठीक हो जाते हो। मीन्स अगर आपकी बॉडी में कुछ इम्बेलेंस हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, बीपी डाउन हो जाता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपको डॉक्टर उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाइयां लिख कर देता है। सेम उसी तरीके से इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है या इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ज्यादा आ जाता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई आता है और आरबीआई कुछ टूल्स जो है वो लगाता है जिससे इन्फ्लेशन नीचे आ जाता है, डिफ्लेशन थोड़ा ऊपर चला जाता है और एक बैलेंसिंग पॉइंट आ जाता है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आरबीआई जो टूल यूज करता है दैट इज बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या होता है? तो देखिए, मैंने अपने पीछे वाले जो लेक्चर है, मतलब पिछला जो वीडियो था, उसे बताया था कि बैंकिंग 2 तरीकों से काम करता है, एक जनरल पब्लिक टू कमर्शियल बैंक, दूसरा कमर्शियल टू आरबीआई। अब जब जनरल पब्लिक को जरूरत थी पैसे की तो वो कहाँ गया? कमर्शियल बैंक के पास। अब कमर्शियल बैंक को जरूरत है तो किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। तो बस यहीं से स्टार्ट हो जाती है बैंक रेट। अगर मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं एसबीआई के पास जाऊंगी। एसबीआई से जब मैं उधार लेती हूँ तो एसबीआई मुझसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज बैंक रेट। ये तो थी एसबीआई की और मेरी मीन्स जनरल पब्लिक की। अब कमर्शियल बैंक आरबीआई से जब लोन लेते हैं और उस टाइम पे जब वो इंस्टेंट लोन लेते हैं, उस टाइम पे जो आरबीआई उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, दैट रेट इज नोन एज बैंक रेट। अब भाई, बैंक रेट तो समझ आ गया कि कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई से उधार लेते हैं और उस टाइम पे जो उधार इंस्टेंट लोन लिया जाता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है आरबीआई, उसे बैंक रेट कहते हैं। तो बैंक रेट को मैम कैसे यूज किया जाए जिससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, आज हम वही करने वाले हैं। आज हमें यही पता चलेगा कि आरबीआई कौन से दवाई देता है जिससे इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखिए बेटा, आरबीआई क्या करता है बैंक रेट को, आपको सबसे पहली बात जो एक टिप या ट्रिक समझ सकते हैं, आपको याद रखना है, इन्फ्लेशन में सभी चीजों को बढ़ा दिया जाता है। मीन जितने भी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है सभी को इन्फ्लेशन में इंक्रीज कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, डिफ्लेशन में सबको कम कर दिया जाएगा। वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखिये, बैंक रेट राइज इन बैंक रेट, आरबीआई क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं बैंक रेट 10% चल रही है, अजम्पशन है, कितनी भी चल सकती है। आरबीआई मतलब जितने भी कमर्शियल बैंक है वो उधार दे रहे होते हैं 10% पे, उसी तरीके से आरबीआई सभी कमर्शियल बैंकों को मान लेता है 10% पे उधार दे रहा होता है। तो इससे क्या होगा, आरबीआई क्या कर देगा, बैंक रेट बढ़ा देगा। आरबीआई ने क्या कर दी, बैंक रेट को बढ़ा दिया। अब आरबीआई की जगह अपने आप को रख के देखिए, अगर कोई भी बैंक रेट बढ़ा देता है तो ना आप कार लोन लेते हो, ना आप होम लोन लेते हो, ना आप उससे किसी टाइप का और उधार लेने जाते हो। आप उधार लेने तभी जाते हो जब बैंक रेट कम चल रही होती है। अगर आपको ज्यादा ही नीड है तब तो देखो वो तो एक एक्सेप्शन हो गया और अपवाद तो आपको हर जगह मिलेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर मतलब हम बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देगा। अब आरबीआई ने बैंक रेट को बढ़ाया तो इससे अगला इम्पैक्ट क्या पड़ा, इससे अगला इम्पैक्ट पड़ा राइज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। आरबीआई ने कमर्शियल बैंकों के लिए बैंक रेट बढ़ाई तो जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है
वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जो डिमांड है लोन लेने की वो कम हो जाएगी। आपको अच्छे से पता है, इसमें आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, थ्योरी ऑफ डिमांड वाला। जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है, जब प्राइसेस डिक्रीज होते हैं तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। सेम यहाँ पे बात है, यहाँ पे प्राइसेस की जगह पे बैंक रेट इंक्रीज हुआ है, जिससे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, जिससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हुआ है। अब जैसे ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो गया, जो उधार लेने की डिमांड थी वो डिक्रीज हो गई। उधार लेने की डिमांड डिक्रीज होने से क्या हुआ कि जो मनी सप्लाई थी इकोनॉमी में वो कम हो गई। लोगों के पास जो ज्यादा पैसा था, अब लोगों के पास पैसा कम हो गया है, जिससे इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, ये चेन इफेक्ट आप हमेशा याद रखेंगे, इससे आपका जो क्वेश्चन का आंसर देना होगा वो बहुत ही इम्प्रेसिव हो जाएगा। मैं समझाती हूँ, देखिए, अगर मनी सप्लाई कम हो गई, मीन्स आपकी पॉकेट अब अलाउ नहीं कर रही है किसी चीज को खरीदने के लिए, तो जिन भी प्रोड्यूसर ने अपने प्राइजेस यहां कर रखे थे, अब वो उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले जो टमाटर के भाव है वो 200 रुपए किलो हो गए थे। अब टमाटर के 200 रुपए किलो जो भाव थे, वो तो हम मान के चलते हैं कि एक सीजन होता है जहां पे टमाटर के पैसे हाई चले जाते हैं, क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन अपोजिट हो गई होंगी, प्रोडक्शन बहुत कम हुआ होगा, चीजों की स्कैर्सिटी आ गई होगी, मीन्स जो टमाटर है वो थोड़े हुए होंगे, जिसके वजह से डिमांड बढ़ी। अब डिमांड बढ़ाने वाला कौन है, हम ही तो है। अगर उस टमाटर की शॉप पे अगर कोई जाके पूछता है टमाटर कितने रुपए किलो, वो कहता है कि 200 रुपए किलो, उसे नहीं खरीद रहे आप, दूसरा ग्राहक आता है नहीं खरीदता है, तीसरा ग्राहक आता है नहीं खरीदता है, तो अब क्यों नहीं खरीद रहे, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक है उन्होंने अपने रेट बढ़ा रखे हैं, जिसके वजह से लोगों की पॉकेट अब उन्हें अलाउ नहीं कर रही। अब वो 200 रुपए किलो जो टमाटर थे उसमें 10 ग्राहकों में से 2 ने खरीदे, तो वो क्या है, परसेबल आइटम है, एक दो दिन में खराब हो जाने वाली है। तो जितने भी टमाटर बेचने वाले लोग थे वो क्या करेंगे, टमाटर के प्राइसेस 200 से 180 भी कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब हमने उनकी डिमांड कम कर दी, उनको पता चल गया कि लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है, अगर पैसा नहीं है तो वो उन चीजों को खरीद ही नहीं पाएंगे। तो इससे क्या होता है कि आरबीआई सबकी जेब टाइट कर देता है। अब जब आरबीआई ने सबकी जेब टाइट कर दी, तो जितने भी प्रोड्यूसर थे उनकी कहाँ चलने वाली थी, क्योंकि डिमांड तो हम ही करने वाले हैं, डिमांड तो हमारे हाथों में। तो जब भी भाव बढ़ते हैं तो हमारी वजह से बढ़ते हैं, भाव घटते हैं तो भी हमारी वजह से घटते हैं, बस दिक्कत ही हो जाती है, भाव बढ़ते हैं चीजों की स्कर्सिटी की वजह से, और हम उनके भाव बढ़ाने में उनकी हेल्प कर देते हैं, सामान को खरीद लेते हैं, क्योंकि हमें नीड होती है। बट एक लिमिट के बाद अगर ज्यादा भाव बढ़ना स्टार्ट होते हैं तो आरबीआई को आना पड़ता है, और आरबीआई क्या करती है, बैंक रेट को बढ़ा देती है। आई थिंक ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि बैंक रेट को बढ़ाने से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, इसका अपोजिट है बैंक रेट को कम कर देना। फॉलिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, जिससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम हो जाती है, डिमांड जो है क्रेडिट लेने की वो बढ़ जाती है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, जिससे डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। अब आरबीआई ने क्या किया, डिफ्लेशन आया हुआ था भाई, सामान बहुत ज्यादा सप्लाई हो चुकी है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन पड़ा है, बट उसे खरीदने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लोगों की जेबों में पैसा ही नहीं है, उनकी जो रियल इनकम है, उनकी जो पॉकेट है, उसे अलाउ नहीं कर रही है। आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को डाउन करता है, जिसके वजह से लोन लेने वालों की क्षमता बढ़ जाती है, ज्यादा लोन लिए जाते हैं, पॉकेट में दोबारा से पैसा आता है, लोग जो है वो चीजें खरीदना स्टार्ट करते हैं, जो सस्ती हुई चीज है वो थोड़ी सी महंगाई हो जाती है, और धीरे धीरे डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जो आरबीआई है वो बैंक रेट को बढ़ाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और बैंक रेट को कम करता है डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ये था आरबीआई का पहला टूल जो कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में वो यूज करता है, दैट इज बैंक रेट, और ये क्या है, क्वांटिटेटिव टूल। चलते हैं सेकंड टूल की तरफ, ये होता है बेटा रेपो रेट। अब बैंक रेट और रेपो रेट दोनों ही एक तरीके से लोन के लिए यूज की जाती है, पर दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। बैंक रेट इंस्टेंट लोन देती है, जबकि रेपो रेट पे हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, मीन्स हम नहीं, कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो बैंक रेट द रेट, रेपो रेट द रेट एट विच आरबीआई ऑफर शॉर्ट टर्म लोन। आरबीआई क्या करता है, शॉर्ट टर्म लोन देता है टू द कमर्शियल बैंक,
बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई करता है ओपन मार्केट के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। रेपो रेट एक रीपर्चेज रेट होती है जो कि प्री डिटरमाइंड रेट पे और प्री डिटरमाइंड डेट पे डिसाइडेड होती है, मीन्स दोबारा से इसे रिपर्चेज किया जा सकता है, इसे हम बोलते हैं रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट को किस तरीके से आरबीआई यूज करता है, मैंने आपको पहले बोला था, इसे ट्रिक समझ लो या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं याद करने का तरीका समझ लो। रेपो रेट हो, बैंक रेट हो, एसएलआर हो, सीआरआर हो, कुछ भी हो, इन्फ्लेशन में बढ़ाया जाएगा, डिफ्लेशन में घटाया जाएगा, ये सेम प्रोसेस आप इस पे लगा सकते हो। इसकी जगह आप लिख देना रेपो रेट, देन फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइज इन रेपो रेट। रेपो रेट के बढ़ने से मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा, डिमांड जो है क्रेडिट की वो गिर जाएगी, मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी, जिससे इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। अगला फिर से यहाँ पे क्या करना है, रेपो रेट लिखना है, फॉलिंग मार्केट इंटरेस्ट हो जाएगा, उसके बाद में फॉलिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा, राइज इन डिमांड फॉर क्रेडिट हो जाएगा, देन मनी सप्लाई जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, डिफ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो यहां से दोनों चीजें आपको एक चेन इफेक्ट याद हो गया, तो मान के चलो आपको सारे चेन इफेक्ट याद हो गए, आपको सिर्फ एक ओपन मार्केट ऑपरेशन है उसमें थोड़ा ध्यान रखना है, वो मैं करवा ही रही हूँ आपका। अब करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जो कि इसका थर्ड इंस्ट्रूमेंट है। ओपन मार्केट इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि जब आरबीआई फॉरेन सिक्योरिटीज को खरीदकर या बेचकर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है, तो हम इसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब भाई आरबीआई इस टूल का यूज कैसे करती है, इस टूल का यूज करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, इन्फ्लेशन में तो करेगी सेल सिक्योरिटीज को और डिफ्लेशन में करेगी परचेज। अब देखो बेटा, सेल से क्या होता है, परचेज से क्या होता है, वो बात करेंगे। अगर सेल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वो मार्केट से पैसा सारा निकाल रही है, मीन्स आरबीआई जब सिक्योरिटीज को सेल करती है तो जितना भी पैसा है, जो एक्सेस में पैसा जो कि इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे रहा है, वो उसको कंट्रोल करना चाहती है। तो हम किसी को जब कोई सेल करते हैं तो उसके पास से पैसा हमारे पास आता है, तो सेम ये टूल यहाँ से वो स्टार्ट करती है। और जब वो परचेज करती है तो इसका मतलब वो कोई चीज हमारे पास से जाती है, मतलब हम उसे, जब हमारे पास से कोई चीज जा रही है तो उससे क्या होता है कि हमारे पास पैसा आता है। तो यहाँ पे दोनों चीजें हो गई कि सेल से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी और जब वो परचेज करेगी तो पैसे को इकोनॉमी में छोड़ना चाहती है, तो जैसे इन्फ्लेशन की बजाय क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो देखिए बेटा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सबसे पहले वो करेगी सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई। आरबीआई ने क्या कर दिया, सिक्योरिटीज को भाई बेच दिया। आप अपने एग्जाम्पल ले लो, घर में आपको किसी चीज की जरूरत है, आप क्या करोगे, आप जो भी आपके घर में कोई कीमती सामान उसे बेच दोगे, आपके पास पैसा आ जाएगा। जब आपका अच्छा दौर आ जाएगा तो आप क्या करोगे, उसे मतलब जो भी आपने बेचा था उसे खरीदने चले जाओगे। तो ये वही चीज आरबीआई जो है वो इम्प्लीमेंट करती है, सेम वही बात हमारे पास है यहाँ पे। आरबीआई ने सेल कर दिया सिक्योरिटीज को, जिससे उसने लिक्विडिटी को सोक कर लिया, मतलब जो भी लिक्विडिटी इन द सेंस जो भी कैश था, जो भी पैसा था, उसको उसने सोक कर लिया। लीड्स टू द फॉल इन कैश रिजर्व द कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंकों के पास क्या है, कैश रिजर्व कम हो गया। कमर्शियल बैंकों के पास जब कैश रिजर्व कम हो जाता है तो वो क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी कम हो जाती है। अब क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या था भाई, वो और समझ लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये बैंक है एसबीआई, ठीक है। एसबीआई क्या है, एसबीआई हो बेटा कोई भी बैंक हो, उसके दो प्राइमरी फंक्शन होते हैं जिससे वो मनी को क्रिएट करता है। तो देखिए, ये होता है डिमांड डिपॉजिट और ये होता है एडवांसिंग लोन। अब मान लेते हैं मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं बैंक के पास जाऊंगी, और मान लेते हैं कि आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है तो भी आप बैंक के पास जाओगे। ये दो ही इंसान बैंक के पास जाते हैं ना, जिसके पास पैसा ज्यादा है तो भी बैंक में रखाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है तो भी बैंक के पास मांगने चला जाएगा। तो भाई ये दो लोग ही तो जाते हैं, फालतू के लोग थोड़े जाएंगे, मीन्स हमारे जैसा इंसान वो क्यों जाएगा जिसके पास पैसा नॉर्मल है। तो मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है कि मेरा पैसा रखना है तो भी मैं जाऊंगी, मेरा पैसा मेरे को एडवांस में लेना है तो भी मैं जाऊंगी यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि एक इंसान यहाँ पे 10,000 रुपए जो है वो जमा करवा रहा है, और जब एक इंसान 10,000 रुपए जमा करवाता है तो बैंक जो है, मान
अज्यूम कर लेते हैं कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे दे देगा कि भाई जो तूने मेरे पास पैसा जमा करवाया है साल के लास्ट में जब मुझसे लेने आएगा तो मैं उसको 10% आपको पैसा एक्स्ट्रा करके दूंगा क्योंकि आपने अपना पैसा रखा है मेरे पास। फिर एक और इंसान जिसको बहुत ज्यादा नीड है पैसे की वो लोन लेने चला जाएगा, अब उसको भी भाई 10,000 रुपए की नीड है। अब बैंक ने यहां तो 10% दिया था, अब क्या करेगा भाई, कहेगा कि मैं आपसे 15% लूंगा। मैं जब भी वो ईएमआई बनाएगा या जो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा वो कितने देगा, 15%। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 5% का। मीन्स जब बैंक पैसे जमा करवाता है तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है और जब किसी को उधार भी देता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करता है। इन दोनों के बीच में जो पैसा क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड मनी क्रिएशन। इससे ही बैंक अपना पैसा बनाता है, इसी प्रोसेस को मनी क्रिएशन बाय द बैंक बोला जाता है। यहां से पैसा भी हमारा था, यहां जो पैसा दिया वो भी हमारा था, बट पैसे किसने बनाए, बैंक ने। बड़ा चालू है बैंक तो फिर इसका मतलब, ठीक है। तो बेसिकली इंसान को पैसा बनाना आना चाहिए किसी भी तरीके से। इसके एक छोटा सा एग्जाम्पल और बता देती हूँ। मान लेते हैं कि एक वाटरमेलन है, मतलब एक तरबूज है। एक तरबूज मान लेती हूँ कि मैं 10 रुपए का खरीद कर लेके आई, उस 10 रुपए के तरबूज को लाकर मैंने बेचा 20 रुपए में, मैंने 10 रुपए कमा लिए। एक तो ये तरीका था। एक मैं तरबूज लेकर आई और उस तरबूज के मैंने जूस निकाले, अच्छे से मैंने डेकोरेट करके उस ग्लास को मैंने 40 रुपए में बेचा, तो उस तरबूज से बन गए 2 ग्लास, मीन्स 80 रुपए का। 10 रुपए का तरबूज और मैंने 80 रुपए बना लिए। पैसा बनाना आना चाहिए, 10 रुपए के तरबूज से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मीन्स यहीं से निकलता है एक शॉपकीपर, यहीं से निकलता है एक एंटरप्रेन्योर और यहीं से निकलते हैं बड़े बड़े सक्सेसमैन लोग। बस आपको थोड़ा माइंड यूज करना है कि पैसा कैसे बनाना है। लाइफ में स्कोप हर जगह है, बस स्कोप आपको ढूंढना है कि वो स्कोप आपको कहां से मिलेगा। ये नहीं कि मैं इस फील्ड में नहीं जाऊंगा, स्कोप नहीं है, आपको स्कोप खुद बनाना है। आप उस चीज को कौन से अलग तरीके से लेते हो आपको ये देखना है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, बहुत ज्ञान हो गया, ठीक है। तो देखे मैं आपको बता रही थी कि फॉलोइंग क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक, वो ये होता है। अब लोगों के पास कमर्शियल बैंकों के पास भाई पैसा ही नहीं है क्योंकि आरबीआई ने सारा सोख लिया है। अब पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा, जो भी कमर्शियल बैंक है उनके पास पैसा कम हो जाएगा, वो मनी क्रिएशन की मतलब जो प्रोसेस है वो भी कम हो जाएगा, जिससे मनी सप्लाई कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। ये तो था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, सीधा याद रखना है सेल करेगा अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। अपोजिट में क्या हो जाएगा, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। अब आरबीआई जो अपनी सिक्योरिटीज बेची थी उसने उसको खरीद लेगा भाई। अब खरीदेगा तो क्या करेगा, लिक्विडिटी को रिलीज करना चाहता है। मीन्स वो चाहता है इकोनॉमी में सबके पास पैसा हो। जैसे ही पैसे की बात आएगी तो जो कमर्शियल बैंक है उनके पास ये पैसा हो जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, मनी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी और डिफ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। तो एक तरीका आपको और समझा दिया है मैंने कि आरबीआई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन का यूज करके। ओपन मार्केट ऑपरेशन में वो क्या करता है, बेसिकली सेल या परचेज करता है सिक्योरिटीज को। जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने है तो वो सेल कर देगा, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने है तो वो परचेज कर लेगा। अब आपको एक बहुत ही नेसेसरी बात याद रखनी है कि दो तरीके के ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, एक होता है आउटराइट, एक होता है रेपो। अब जो आउटराइट होता है वो होता है परमानेंट नेचर का, मींस हमने एक बार सिक्योरिटीज जो कर दी वो कैसी थी, परमानेंट नेचर की थी, बेच दी। और रेपो का मतलब होता है ये होती है टेम्परेरी टाइप की, जो कि रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट टाइप की होती है, लाइक वो वाली। तो ये आउटराइट जो होती है वो परमानेंट नेचर है, रेपो जो है वो टेम्परेरी नेचर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट जो कि है आपका सीआरआर और एसएलआर। देखिए बेटा, सीआरआर और एसएलआर ये दोनों रिजर्व डिपॉजिट हम कह सकते हैं। सीआरआर और एसएलआर ये आरबीआई डिसाइड करता है, बट फर्क क्या है, सीआरआर हमें मीन्स हमें दरअसल कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है और एसएलआर जो है वो इटसेल्फ खुद के पास रखना होता है। देखो दोनों में छोटा सा डिफरेंस बताया मैंने, आरबीआई डिसाइड करेगा एसएलआर को भी और सीआरआर को भी, बट एसएलआर आरबीआई के पास नहीं रखना होता, कमर्शियल बैंकों को खुद के पास रखना है और सीआरआर कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास रख के आना है।
सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, जबकि एसएलआर का मतलब होता है सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशियो। अब कमर्शियल बैंकों के लिए आरबीआई एक रेट डिसाइड करता है जो कि अपना टोटल डिमांड डिपॉजिट का कुछ परसेंट जो कि आरबीआई ने डिसाइड किया है वो आरबीआई के पास रख के आएगा, उसे बोलते हैं सीआरआर, मींस कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर हो या एसएलआर हो, दोनों को इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वही सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जो कि बैंक रेट रेपो रेट ने ही किया था। मींस अगर इन्फ्लेशन को करेक्ट करना है, इन्फ्लेशन को करेक्ट करना है तो सीआरआर को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अगर डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो सीआरआर को क्या कर देंगे, घटा देंगे, जिससे इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है वो कम या ज्यादा हो जाएगी और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। फिर आ जाता है हमारे पास में एसएलआर, सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड एसेट्स में होता है। लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है हाईली कन्वर्टेबल इनटू कैश, मीन्स वो चीजें जो कि इजिली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। फॉर एग्जांपल गोल्ड, अगर गोल्ड को आप मार्केट में बेचने जाते हो तो इजिली कन्वर्ट हो जाएगा कैश के अंदर, कोई भी उसे मना नहीं करता है। अब ये क्या चीज होती है भाई, इससे कैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। एस आरबीआई जो है वो कहता है, मतलब एक रेट डिसाइड करता है सभी बैंकों के लिए कि आप अपने टोटल डिमांड डिपॉजिट का कुछ लिक्विड एसेट्स के रूप में जो मैं डिसाइड करता हूँ वो आपको रिजर्व में रखना है, वो आपको उधार पे नहीं देना है। मीन्स आरबीआई ने डिसाइड करा, कमर्शियल बैंकों के लिए किया, बट कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिमांड डिपॉजिट का कुछ परसेंट जो कि आरबीआई ने डिसाइड करा खुद के पास रखना है, उसे लोन में यूज नहीं करना है, इसे बोला जाता है एसएलआर। एसएलआर का भी सेम प्रोसेस है, इन्फ्लेशन में इसे बढ़ा दिया जाता है, डिफ्लेशन में इसे घटा दिया जाता है। भाई होता कैसे है, देखिए अगर सीआरआर की एसएलआर की रेट बढ़ा दी जाती है तो जो डिपॉजिट है चाहे वो आरबीआई के पास हो या फिर कमर्शियल बैंकों के पास, वो डिपॉजिट ही रह जाता है, उसे आम जनता को उधार नहीं दिया जाएगा। तो जैसे ही रेट बढ़ेगी वैसे ही टोटल डिमांड डिपॉजिट का बहुत ज्यादा हिस्सा या तो कमर्शियल बैंकों को सीआरआर के रूप में आरबीआई को देना पड़ेगा या एसएलआर के रूप में आपने पास रखना पड़ेगा। अब उनके पास थोड़ा पैसा बचता है उधार देने के लिए, तो जिससे मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाती है। दूसरी तरफ इसका अपोजिट है, जब डिफ्लेशन आता है तो इस रेट को कम कर दिया जाता है, तो सीआरआर कम देनी पड़ती है आरबीआई को और एसएलआर कम रखनी पड़ती है खुद को, जिसके पास कमर्शियल बैंकों के पास पैसा ज्यादा बच जाता है और मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा हो जाती है, डिफ्लेशन क्रब हो जाता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें मैं कवर करूंगी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी सप्लाई के, मीन्स मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। क्वांटिटेटिव हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक बात याद रखें हमेशा, ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कहते हैं। अगर आप चाहो तो इसे मतलब एक तरीके से अलर्ट में डाल सकते हो कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सिंपली क्वेश्चन कई तरीकों से पूछा जाएगा कि आरबीआई के कुछ टूल्स बताइए जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, या फिर आपको स्पेशल टूल दे दिए जाएंगे सीआरआर एसएलआर को कैसे यूज किया जाता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, या फिर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से जो भी टूल्स यूज करे जाते हैं उनको यूज कैसे किया जाता है, कब बढ़ाया जाता है कब घटाया जाता है। मीन्स क्वेश्चन की लैंग्वेज किसी भी तरीके से चेंज की जा सकती है, बट क्वेश्चन कैसा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे याद रखना है। अब आते हैं हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।